नववर्ष अंग्रेजी नववर्ष की पूर्व संध्या पर सूर्यास्त के बाद रोशनी में नहाया ये आतिया तालाब गायत्री शक्तिपीठ झांसी के गेट का गेट के शिखर सामने आतिया तालाब और नीचे ये पूरा एरिया ऊपर आने वाला रास्ता और ये मुख्य गायत्री माता मंदिर और ये यज्ञशाला जहाँ 2 तारीख से 24 कुंडी 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष में होने की तैयारियाँ पूर्ण हो रही धीरे धीरे। ऊपर जो रेजिडेंशियल पोर्शन है उससे नीचे आने वाला रास्ता और ये ऑफिस और अन्य स्थान और ये साधना कक्ष और ये आपका गेट की तरफ का व्यू। ये गायत्री माँ के दर्शन आज के ये संध्या पे और ये यज्ञशाला ये प्रवेश ये प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा सबसे प्रमुख स्थल माना जाता है किसी भी शक्तिपीठ का। ये शिखर के दर्शन मुख्य मंदिर के शिखर के दर्शन अब ये रोशनी में नहाया सजल सिद्धा प्रखर प्रज्ञा और ये पूरा प्रांगण जो आबाद रहेगा 2, 3, 4, 5 तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। ये देखिए सभी हवन कुंड 24 हवन कुंड में रखे हुए और ये देखिए हल्के बादल चंद्रदेव और ये जय बाबा नीम करोली बाबा की अतिथि के साथ महाकाल की प्रेरणा जिसने मुझे आज यहाँ फिर पहुँचाया। वास्तव में मैं 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ 9 कुंडी गायत्री महायज्ञ जो कि सुल्तानपुर में 29, 30, 31 से प्रारंभ हुआ उसमें 30 तारीख को शरीक हुआ और उसके बाद यहाँ का आज सवेरे 5 बजे पहुँचा जाते हुए विवेकानंद मोटर जब चलती है तो पानी जब ओवरफ्लो करता है ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही लेकिन वास्तव में ये 21 नंबर कमरा पूरा रंग रोगन हो चुका है यहाँ के सभी कमरों का। पहले मैं इसी कमरे में था अंदर वाला कमरा गुरुदेव के विचार जय गुरुदेव जय महाकाल। साहित्य विस्तार पटल ये गेट के पास एंट्री होने के बाद बाईं तरफ ये एक कमरा ये उपजोन जिला समन्वय कार्यालय प्रांतीय का प्रांतीय युग सजीता समारोह झांसी जिसकी कन्वीनरशिप झांसी को मिली हुई इस समय और ये कलश सब तैयार। दुर्गा माता गायत्री माता महालक्ष्मी माता एक ही चाहिए होगी जय बाबा।